तो क्या हाल चाल भाई लोग। और अगर आप लोग सोच रहे हो इस दिवाली एक नया 4G फोन लेने की, लेकिन आपके घर वाले आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हैं और आपको वहाँ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली, तो ठीक है, सिंपल सी बात है, जियो फोन ले लो, इफेक्टिवली 0 रुपये का पड़ेगा। लेकिन फिर अगर आपकी औकात थोड़ी ज़्यादा है, आप थोड़े पैसे लगा सकते हो एक फ़ोन के पीछे, तो ठीक है, अभी अभी एयरटेल ने नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। वैसे इस फ़ोन को बनाया कार्बन ने, लेकिन ये फोन आप लोगों को पड़ जाएगा 1400 रुपये का। लेकिन रुको, इसके आगे इफेक्टिवली भी लिखा है और इसका मतलब शायद आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। यू नो सेम केस जियो फोन 0 रुपया। तो बस अब यहीं पे ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि आप लोगों को थोड़े और पैसे लगा के ये एयरटेल का नया फोन लेना चाहिए या आपका काम चल जाएगा जियो के इस फीचर फोन के साथ। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सब इन्हीं दोनों फोन को कंपेयर करने वाले हैं। तो जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ ऋषभ और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टेक। तो इस कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कहाँ से लेना है? तो सबसे पहली बात कर लेते हैं जियो फोन की। तो ये आप लोगों को कहीं पे भी जियो के ऐप, रिलायंस डिजिटल, जियो के वेबसाइट, मतलब कि ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा बड़े आराम से। फिलहाल बुकिंग्स बंद है, कब स्टार्ट होंगी मुझे भी नहीं पता। फ्यूचर में मुझे पता चलेगी तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूँ। अब बात कर लेते हैं एयरटेल की फ़ोन, मतलब कि कार्बन A40 की इन शॉर्ट कह लो। तो इस फोन के बारे में फिलहाल मुझे भी नहीं पता कि कहाँ ये फ़ोन मिलने वाला है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है, क्योंकि कार्बन का ये फ़ोन है, ऑफलाइन स्टोर में बड़े आराम से मिल जाएगा। क्योंकि अगर कोई एक्सक्लूसिव स्टोर या फिर ऑनलाइन मिलता साइट पे, और अगर ये फ़ोन किसी ऐसी जगह मिलता तो हमें पहले से ही पता लग जाता। तो जो दूसरा क्वेश्चन जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, कितने का फ़ोन पड़ेगा आप लोगों को? तो जियो फ़ोन को तो हम सबको जानते हैं कि ये इफेक्टिवली 0 रुपये का पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे 1500 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है, और फिर 3 साल फ़ोन चलाइए बड़े आराम से, और फिर फ़ोन को रिटर्न कर दीजिए कंपनी को, ले लीजिए अपने 1500 रुपये का रिफंड। अब बात कर लेते हैं एयरटेल फ़ोन की। तो ये फ़ोन आप लोगों को इफेक्टिवली 1400 रुपये का मिलेगा, और लगभग आप लोगों को इतने ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को 3000 रुपये चार्ज किए जाएंगे सिक्योरिटी फीस के रूप में। इस फ़ोन को 36 महीने चलाने के बाद आपके 3000 रुपये जो कि पहले खर्च हुए थे, उसमें से 14 के सब आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में रिफंड कर दिए जाएंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, रिफंड आपको आपके एयरटेल पेमेंट बैंक्स में आएंगे। सो गाइस, ये तो हो गए दोनों फोन्स की अवेबिलिटी और प्राइसिंग की बात। और यहाँ पे जो तीसरी चीज बताना आप लोगों को जरूरी समझता हूँ, यहाँ पे जो एयरटेल का फोन है जो कि कार्बन A40 है, वो टोटली स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। और यहाँ पे जियो फोन अपने खुद के डिजाइन किए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, जिसकी यहाँ पे काफी सारी लिमिटेशंस है। इन शॉर्ट जियो फोन फीचर फोन है और एयरटेल फोन टोटली स्मार्टफोन है जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं दोनों फोन्स में हार्डवेयर की, कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया है। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे जियो फोन की स्पेक्स की। तो यहाँ पे आप लोगों को 2.40 इंचेस का स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जो कि IPS बिल्कुल भी नहीं है, जिसका रेजोल्यूशन है 240x360 पिक्सल। स्टोरेज यहाँ पे 4GB की इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है स्पेक्ट्रम का एक डुअल कोर प्रोसेसर, जो कि क्लॉक्ड है 1.2 GHz पे, और जो कि है डुअल कोर प्रोसेसर। रैम यहाँ पे आप लोगों को 512 MB की देखने को मिल जाएगी। कैमरास की बात कर लूँ तो यहाँ पे रियर कैमरा में आप लोगों को 2 MP का सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा जो कि नाम भर का एक सेल्फी कैमरा है, यहाँ पे 0.3 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैटरी का अच्छा चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है, तो यहाँ पे आप लोगों को 2000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में KEIOS है, मतलब KaiOS। अब बात कर लेते हैं कार्बन A40 की, मतलब कि एयरटेल फोन यार। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 इंचेस की 800x480 पिक्सल्स की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि डिसेंट है। अब इस प्राइस रेंज में क्या बताऊँ इस फोन के बारे में। कैमरा में यहाँ पे आप लोगों को पीछे की तरफ 2 MP का सेम कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि जियो फोन में है, पता नहीं क्वालिटी कैसी है। फ्रंट कैमरा में नाम मत का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो जो कि ये 0.3 MP का कैमरा। रैम यहाँ पे 1 GB की दी गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीजमेंट है जियो फोन से। 8 GB की इंटरनल स्टोरेज माइक्रो SD कार्ड की मदद से आप एक्सपेंड कर सकते हो। 1400 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि थोड़ी सी कम है जियो फोन से अगर आप कंपेयर करो। तो यहाँ पे प्रोसेसर के लिए इस्तेमाल किया गया है MediaTek का एक 1.3 GHz पे चलने वाला क्वाड कोर प्रोसेसर। कैसा है मुझे नहीं पता, अभी इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा नहीं मिल सकता। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पैक्स के बारे में।
मेरा कहने का मतलब रिचार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को जियो फोन में मिलता है 153 का रिचार्ज। इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा डेली लिमिट 0.5 GB का, अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड SMS। और अगर मैं अब बात करूँ एयरटेल के बारे में, तो यहाँ पे एयरटेल ने एक नया रिचार्ज निकाला है पर्टिकुलर इस फ़ोन के लिए। तो यहाँ इस रिचार्ज में आप लोगों को कराना पड़ेगा 169 का रिचार्ज। तो इसमें आप लोगों को मिल जाएगा डेली लिमिट 0.5 GB का, अनलिमिटेड कॉल, लेकिन इसमें भी यार कुछ लिमिट है, एयरटेल का अपना कुछ रहता है ना, SMS भी है। और वैसे आप लोगों को बता दूं, अगर आप नॉर्मल यूज़र भी हैं एयरटेल के, तब भी आप 169 रुपये का रिचार्ज करा सकते हो। तो यहाँ पे अंतर ये होगा, नॉर्मली अगर आपके पास एयरटेल फ़ोन हो तो यहाँ पे आप लोगों को वैलिडिटी मिलता है 28 दिन की, लेकिन फिर ये घट के हो जाएगी 14 दिनों तक। सो बस गाइस, अब आप लोग देख लो कौन सा रिचार्ज कराने से आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है। और बस इस कंपैरिजन में इतना ही था। और बस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो यार डिसलाइक मत करना, प्लीज़ यार लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो, और घंटा भी दबा दो, ठीक है। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, बाय।